हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? तो गाइस, आज मैं पूजा के लिए फूल चुन रही हूँ। तो गाइस, हमारे पेड़ पे बहुत सारे फूल आए हैं और मैं पूजा के लिए चुन रही हूँ। पूरी थाली भर ली है मैंने। तो गाइस, इधर मैंने गुलाब के पेड़ भी लगा रखे हैं, लेकिन अभी उस पर कलियाँ आ रही है, लेकिन फूल नहीं आए। लेकिन पूजा के लिए मुझे इतने से बहुत हैं। मैं एक भी फूल नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये बाद में टूट के गिर ही जाते हैं। इससे बढ़िया दरबार में रख लो, वो सही रहेगा। तो भाई, जितने भी सारे फूल हैं मुझे सारे तोड़ने हैं। तो गाइस, मैंने पेड़ पे एक भी फूल नहीं छोड़ा, शायद ऊपर एक फूल लेकिन रह गया है शायद, देख रही हूँ। तो गाइस, इधर देख सकते हैं, यहाँ पे गेंदे के पेड़ लग रहे हैं। इस पर छोटे छोटे फूल आते हैं, लेकिन मैं यहाँ से सिर्फ एक फूल तोड़ूँगी। अभी पूरे अच्छी तरीके से फूल नहीं आए हैं, ये देख सकते हो। इस पर यहाँ पर क्या बैठी है? सुंडी बैठी है। इन्होंने मेरे पेड़ का नाश कर दिया। कोई नहीं, इनके लिए राख है, राख डालो यहाँ पे। तो गाइस, देख सकते हैं मेरे पूजा के फूल तैयार है और मैं चली अपने दरबार में लेके फूलों को। तो गाइस, मैंने अच्छे से फूल को मैं चली माता के दरबार। तो गाइस, ये हमारा प्यारा सा रूम है और यहाँ पे मैंने छोटा सा दरबार लगा रखा है माता रानी का, देख सकते हो। तो गाइस, मैं फूल महादेव के चरणों में रखती हूँ। सबसे पहले धूप बत्ती जला रही हूँ। तो गाइस, कमेंट में बोलना आप लोगों को माता रानी का दरबार कैसा लगा। मैंने अपनी तरफ से कैसा सजाया, आप लोगों को कैसा लगा। तो गाइस, मैं महादेव के चरणों में फूल अर्पित करती हूँ। सबसे पहले ये देख सकते हो आप, यहाँ पे सबसे प्रिय है महादेव को येलो और वाइट फूल, और माता रानी को सबसे प्रिय है रेड कलर। सुबह 5 फूल माता के दरबार में ज़रूर चढ़ाने चाहिए। इससे क्या होता है, आपके मन में जो भी बेकार की बातें होती है वो निकल जाती है और अच्छे कामों में मन लगता है। तो भाई, जय माता दी या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्य नमस्तस्य। तो गाइस, देख सकते हो आप, ये है छोटा सा गेंदे का फूल, ये माता के। जय माता दी, माता रानी को तिलक लगा रही हूँ। गाइस, इस बार मैंने माता रानी का दरबार अच्छे से डेकोरेट नहीं किया था, लेकिन कोई नहीं, दिल साफ होना चाहिए और क्या चाहिए माता रानी को। तो गाइस, मैं आई हूँ बाहर घूमने। तो बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, ये देख सकते हो। मैं रोड पे घूमने आई हूँ, तो हवा बहुत अच्छी चल रही है। मैं सोच रही थी कि अपनी बहन को साथ में लेके आई थी, मैं सोच रही थी कि इधर बाग में आम तोड़ने जाऊं, लेकिन नहीं।